आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे संजय सिंह, ट्रायल कोर्ट तय करेगा जमानत की शर्तें। दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती संजय सिंह, संजय के बेटे साथ में मौजूद हैं, कल हो सकते हैं डिस्चार्ज। सौरभ भारद्वाज ने कहा, संजय सिंह को बेल मिलना लोकतंत्र की जीत, पैसों की रिकवरी को लेकर ईडी और केंद्र के पास नहीं था कोई जवाब। आतिशी ने कहा, 2 साल से मनी ट्रेल खोज रही है ईडी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो नहीं था जवाब। संजय सिंह की मां राधिका सिंह का बयान, कहा, मेरे बेटे ने बहुत कुछ झेला, पूरा विश्वास था, बेटा निर्दोष और ईमानदार है। संजय सिंह की जमानत पर राघव चड्ढा ने किया ट्वीट, फोटो शेयर कर लिखा, हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए भावुक दिन, खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यूपी के अमरोहा में अनुराग ठाकुर, कहा, आम आदमी पार्टी ने देश और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, इनके सभी नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। वीरेंद्र सचदेव ने कहा, सौरभ भारद्वाज और आतिशी बनना चाहते हैं सीएम, केजरीवाल ने इनका नाम लेकर कर दिया खेल। शहजाद पूनावाला ने कहा, आम आदमी पार्टी जमानत और रिहाई में अंतर नहीं समझती, नियमित जमानत को जीत समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने माना केजरीवाल घोटाले के सरगना। संजय सिंह पर हेमंत सोरेन का भी ट्वीट, लिखा, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा, धीरे धीरे इस देश का न्यायालय सबको रिहा कर देगा और जीत सत्य की ही होगी। सुनीता केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के विधायकों की अपील, किसी भी कीमत पर सीएम पद से इस्तीफा नहीं दें केजरीवाल, सूत्रों के मुताबिक जेल से चलाएं सरकार, ये कहा विधायकों ने, और सूत्रों के मुताबिक ही जेल में परेशान नजर आए सीएम केजरीवाल, वार्ड में टहलने के अलावा किताबें पढ़ते नजर आए केजरीवाल। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया, गिरफ्तारी की धमकी दी गई। आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करेगी ईडी, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करने की तैयारी। आतिशी के जेल जाने के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा तो जल्द इच्छा पूरी होगी। राजस्थान के कोटपुतली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कार्यकर्ताओं ने सम्मानित कर किया भव्य स्वागत। उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो, पीएम मोदी को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। राहुल पर बोलते हुए पीएम ने कहा, शहजादे ने कहा देश में आग लग जाएगी, क्या आग लगाने की भाषा उचित है, ऐसे लोगों को चुन चुन कर साफ किया जाए। CAA पर कांग्रेस के विरोध पर बोले पीएम मोदी, कहा, शरणार्थियों को नागरिकता देने से कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में फंसी हुई। पीएम मोदी का विपक्षी पार्टियों पर हमला, कहा, हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, कितनी भी गाली और धमकी दो मोदी डरने वाला नहीं। बेंगलुरु से अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा, मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य दिया, कर्नाटक में कांग्रेस को खाता नहीं खोलने दें, इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का कुंबा। अमित शाह ने कर्नाटक के कई क्षेत्रों के नेताओं के साथ बैठक की, बीजेपी नेताओं के असंतोष को दूर करने की कोशिश की। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, 112 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। जबलपुर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा, मोदी जी ने परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिवाद को खत्म किया। यूपी के बदायूं में सीएम योगी का संबोधन, कहा, विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी, विकसित भारत के लिए मोदी जी को मजबूत करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2014 से पहले की सीमाएं असुरक्षित थी, देश के अंदर आतंकवाद था, पहले रामलला की बात करने वालों पर हमले होते थे। बदायूं में मंच पर रोती नजर आई बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, बीजेपी ने काटा है लोकसभा से उनका टिकट। मंच पर रोने का वीडियो वायरल होने के बाद संघमित्रा मौर्य की सफाई, कहा, राजा दशरथ की कथा सुनकर भावुक हो गई थी। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने मेरठ से दाखिल किया नामांकन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। कन्नौज के दौरे पर अखिलेश यादव, कहा, इस बार का चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ, केजरीवाल तोरेन और आजम खान को झूठे मामले में फंसाया गया, उसके खिलाफ होगा मतदान। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, कहा, ईडी CBI के जरिए की जा रही है चंदा वसूली, इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल पर कार्रवाई की गई। अखिलेश बोले, यूपी में हर परीक्षा में हो रहे पेपर लीक, गाड़ी पलटा कर किया जा रहा है एनकाउंटर, जनता सब देख रही है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, योजनाओं के प्रचार से नेताओं की तस्वीरें हटाने की मांग। कांग्रेस ने जारी किए लोकसभा चुनाव के लिए 17 और उम्मीदवारों के नाम, आंध्र प्रदेश के कडपा से लड़ेंगी YS शर्मिला। सारण से रोहिणी आचार्य के चुनावी प्रचार का आगाज, लोगों ने JCB से फूल बरसाकर किया स्वागत, लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगती दिखी रोहिणी। रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर विजय सिन्हा का तंज, वो बेटी बहू बनकर सिंगापुर चली गई और बिहार में उम्मीदवार बन रही। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का बयान, कहा, कोई भी सरकार हो मैं जानता हूं काम करवाने का तरीका, बीजेपी सरकार में भी नहीं रुका मेरा काम। धार के भोजशाला में SI सर्वे पर वकील विष्णु शंकर जैन का ट्वीट, बताया, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण या खुदाई पर नहीं लगाई है रोक। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी, अदालत ने लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर सवालों से बचते नजर आए बाबा रामदेव, पत्रकारों के सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। यूपी के कासगंज जेल में उमर अंसारी से मिला भाई अफजल, यूपी के कासगंज जेल में अब्बास और उमर की मुलाकात हुई और उसने कहा कि मैं जेल में भी रोजा रख रहा हूं। पंजाब के कपूरथला में भयानक हादसा हुआ, 2 बाइक की टक्कर के बाद ट्रैक्टर के नीचे आने से युवक की मौत हो गई।
नवी मुंबई में केमिकल कंपनी में भीषण आग लगी। सड़कों पर तेजी से आग फैलती चली गई, आसमान में धुएं का गुबार। मध्य प्रदेश के बैतूल में शख्स पर लिव इन पार्टनर को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश का आरोप। युवती के शादी से मना करने पर किया हमला, आरोपी फरार। किरण रिजिजू ने कहा, लगता है चीन बहुत घबराया हुआ है, अगर हमें परेशान किया जाएगा तो हम जवाब देंगे। दुनिया भर में रह रहे भारतीयों को विदेश मंत्री ने दिलाया भरोसा, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में पूरे भरोसे के साथ जाएं, भारत सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर मनीष तिवारी का वार, कहा बीते 4 साल में चीनी सेना ने कई जगहों पर घुसपैठ की है। चीन को लेकर फारूक अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर निशाना, चीन हमारी जमीन का कब्जा कर रहा है, इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करती केंद्र सरकार।